हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्ती होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है सितंबर की 18 तारीख और मुझसे कई लोगों ने कहा है कि आप, पहले मैं सोचती थी कि हर हफ्ते गार्डन का वही कुछ खास चेंज हो नहीं पाता है हर हफ्ते गार्डन में, तो इसलिए मैं दिखाती नहीं थी। लेकिन मुझे, मेरे कई व्यूवर्स ने कमेंट में बोला है कि आप रेगुलरली हर हफ्ते संडे अपडेट ज़रूर दिया करें। तो खास तो कुछ चेंज हुआ नहीं है गार्डन में, फिर भी आज आप लोगों के साथ मैं वही शेयर करूंगी। तो देखिए, येलो में मेरे पास 3 से 4 वैरायटी हैं और ये एक और आज अलग वैरायटी के जो फ्लावर्स हैं ये ब्लूम हुए और बेहद ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से ये ब्लूम कर रहे हैं। बाकी सबकी आप देख सकते हैं, मैंने कटिंग करते चली गई थी तो ऊपर से न्यू शूट्स जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो गई हैं। तो गुलाब में तो अभी हमको काफ़ी सारा काम करना है, तो समय के साथ साथ हम वो भी करेंगे। इधर मेरा अडेनियम है, अडेनियम बहुत अच्छी तरीके से, अब धूप आज से ही हमारे यहाँ पे होने लगी है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे 5-6 दिनों से बहुत ही ज़्यादा बारिशें हो रही थी। गुलाबों पे कलियाँ बहुत सारी आई हुई हैं। बीच में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, बहुत सारे फ्लावर्स थे, अब कलियाँ कलियाँ हैं। तो अब अक्टूबर में तो हमें इनके ऊपर काम करना है। अपना गुड़हल का सेक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस टाइम पे गुड़हल पे बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। बहुत अलग अलग कलर के फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम कर रहे हैं। कल ये वाइट कलर का खिला हुआ था, येलो भी डेली मेरा जो वेरीगेटेड है ये खिले ही रहते हैं। आज ही ये देखिए स्पेंट हुआ है, बाकी 3-4 कलियाँ और लगी हुई हैं। तो फ्लावर्स तो अभी गुड़हल पे बहुत अच्छे चल रहे हैं। कलियाँ अभी कुछ एक, थोड़ा सा चिड़ियाओं की थोड़ी कृपा हुई है। वैसे तो देखिए आते जाते चिड़िया इस तरीके से मेरी पूरी कलियाँ खा ही जाती हैं। कभी कभी कुछ कलियाँ अगर रह जाती हैं तो हमको फ्लावर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा देसी गुड़हल है ये पर्पल कलर का, और ये मेरे वाइट कलर के बंचेस में खिलने वाला ये मल्टी पेटल वाला जो हिबिस्कस है ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। और देखिए कितनी सारी इसमें अभी कलियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारी कलियाँ इसमें अभी बनी हुई हैं। ये इसके बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग का समय होता है और बहुत ईजीली ये कटिंग से भी लग जाता है। ये भी देसी वेराइटी ही होती है, ईजीली जैसे ये सिंगल पेटल का, इसमें एक वाइट कलर का सिंगल पेटल भी आता है और ये डबल पेटल वाला ज़्यादा दिखने में सुंदर दिखता है। और अभी तो सारे ही गुड़हलों पे बहुत ज़्यादा कलियाँ भरी हुई हैं, धीरे धीरे करके डेली ही फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम होते रहते हैं। टोरेनिया के फ्लावर्स पूरी तरीके से, प्लांट जो है वो फ्लावर से भरे हुए, और इसकी बहुत सारी कटिंग्स मैंने लगाई हैं क्योंकि मेरे यहाँ पे सीड से इतने ज़्यादा ये ग्रो नहीं होते हैं। तो मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग्स हैंगिंग प्लांटर्स में भी लगा ली और बहुत सारे प्लांट्स में लगाई हैं। इसके कलर देखिए कितने ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। फिर मैं इधर से अपना आपको अपडेट दिखाऊं तो चमेली पे एज यूजुअल बहुत सारे फूल खिले। और ये देखिए, ये मेरा एक जो स्थल कमल येलो कलर का खिलता है ये, तो इसमें कुछ इंसेक्ट्स का अटैक हो गया था तो ये सारे मैंने इसके ऊपर स्प्रे भी किया है और चीटियों वाला पाउडर भी डाला है। इसमें परसों के दिन एक येलो कलर का बहुत सुंदर फ्लावर ब्लूम हुआ था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। अब जब भी इसमें फ्लावर ब्लूम होगा तब आपसे शेयर करूंगी। देखिए हर कली पे, हर ब्रांच पे देखिए कितनी सारी इसमें कलियां बनी हुई हैं, तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लूम करता है। फिर इधर मोगरा वगैरह भी अच्छा चल ही रहा है मेरा। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में कमेंट में कई लोगों से पूछा था कि, आप लोगों से पूछा था कि इस फ्लावर का नाम क्या है, तो ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया है कि इसका नाम ये गार्डेनिया है, गोल्डन गार्डेनिया इसको कहते हैं। और इसको फिर मैंने गूगल भी किया तो ये 3 कलर में खिलता है। सबसे पहले ये कलर फ्लावर जो होता है वो वाइट कलर का होता है, फिर थोड़ा येलोइश हो जाता है और बाद में ये गोल्डन। और ये कई दिनों से मेरे यहाँ पे टिका हुआ है, कम से कम इसको 3 से 4 दिन तो हो ही गए ये फ्लावर मेरे यहाँ पे खिला ही हुआ है। तो इसमें बहुत सारी अभी कलियाँ आई हुई हैं। आई होप कि जब बहुत सारी कलियाँ एक साथ फ्लावर खिलेंगे तब इसकी खुशबू और ये प्लांट जो है वो देखते ही बनेगा। बहुत दिनों से ये फ्लावर खिला हुआ है। फिर इसके बाद ये मेरा कपलेट वाला प्लांट बहुत ही सुंदर तरीके से ये भी ब्लूम कर रहा है और इसके जो फ्लावर्स हैं बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। अब थोड़ी सी धूप सी होने लगी है तो आज से ही हमारे यहाँ पे धूप हुई है, तो अब इसमें वाटरिंग का भी सारे ही प्लांट्स में मुझे बहुत ध्यान देना होगा। यहाँ पे थंबर्जिया में भी फ्लावरिंग होती ही रहती है ऑन एंड ऑफ। अब जिन जिन प्लांट्स में फ्लावरिंग है मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी वही दिखा देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और टिकोमा पे भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी चल रही है। ये वाला जो प्लांट है इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं तो इसकी मुझे भी फ्लावरिंग का बहुत इंतज़ार है। कलियाँ सी तो बनने लग गई हैं। ये एक अलग सा ही प्लांट है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
यहाँ पे मेरा वाइट कनेर, जिसके ये फ्लावर्स जो है ये आधे आधे ही खिले रहते हैं, ये पूरी तरीके से नहीं खिलते हैं, कलियों जैसे ही दिखते हैं ये, और ये भी पूरी तरीके से फ्लावरिंग से हमेशा भरा ही रहता है। ये मेरा वेरीगेटेड वाला टिकोमा, ये भी बहुत सुंदर दिखता है और बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम करा है। और देखिए, इस प्लांट को मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, इसकी मैंने कटिंग करके पूरी इसको अच्छे से फर्टिलाइज कर दिया था, तो ऊपर आप देख सकते हैं छोटे 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 फिर से इसमें न्यू स्प्राउट्स आने लग गए। तो आप भी अपने प्लांट्स के साथ ऐसा ही करिए, जो भी प्लांट आपके ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से फ्लावरिंग भी नहीं हुई है या बहुत फ्लावरिंग करके अभी रुके हैं, तो उनको भी आप इस तरीके से ऊपर से पूरा कट कर दीजिए, जिससे कि उसमें न्यू ब्रांचेस निकलेंगी, तभी उसमें और ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होगी। और यहाँ पे येलो टिकोमा तो एज यूजुअल बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहा है। ये मेरा मुसांडा, मुसांडा में अब अच्छे से फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, और ये इसमें भी पिंक वाले जो फ्लावर्स निकलने वाले हैं, तो इनकी भी ये भी एक बार खिल जाते हैं तो ये बहुत टाइम तक रहते हो। देखिए, यहाँ से मैं बार बार आती जाती रहती हूँ, तो स्पेस कम होने के कारण कली टूट गई है इसकी। यहाँ पे मेरा मिनी मुसांडा का प्लांट, मिनी मुसांडा भी बहुत सुंदर तरीके से ब्लूम कर रहा है। देखिए, इस तरीके से इसके येलो छोटे 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 फ्लावर्स आते हैं, बहुत सुंदर दिखता है ये भी। ये मेरा ऑरेंज टिकोमा का प्लांट है, जो पूरी तरीके से अभी कलियों से भरा हुआ है। हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में आप लोगों को इसके पूरे फ्लावर्स जो हैं वो देखने के लिए मिले। यहाँ स्पेस बहुत कम है, और देखिए यहाँ पे ये सारे ही मेरे पॉन्सेटिया के प्लांट, जिनकी मैंने ऊपर से पिंचिंग करी थी, तो आप देख सकते हैं सभी में बिल्कुल न्यू न्यू ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई, और अब मैं फिर से इनकी ऊपर से थोड़ी थोड़ी पिंचिंग कर दूंगी। और ये वही वाली कटिंग्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, और अभी रिसेंट में आप लोगों के साथ मैंने इसका वीडियो भी ट्रांसप्लांट किया शेयर किया था ट्रांसप्लांटेशन का, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। देख सकते हैं आप, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। ये एक और मेरा टिकोमा का प्लांट, इसकी भी मैंने अभी देखिए ऊपर से पूरी पिंचिंग करी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग ये प्लांट मुझे कर चुका है। अभी जैसे ये फ्लावर देके चला जाएगा तो यहाँ से भी मैं इसको कट कर दूंगी, तो इसकी आपको टाइम टू टाइम पिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट जो है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और ये इस तरफ मेरे सारे ही जीनिया के प्लांट, मैं आपको इधर से निकल के दिखाती हूँ, बहुत कम स्पेस है मेरे यहाँ पे। और ये देखिए, ये सारे ही लिली के प्लांट जो हैं ये मैंने टब में लगा के रख दिए हैं आने वाले सीजन के लिए। और ये हैंगिंग प्लांटर मेरा टूट गया था, इसके अंदर देखिए लैंटाना कितने खूबसूरती से ब्लूम कर रहा है, बहुत ही प्यारा चलता है ये प्लांट। अगर आप एक बार लगा लेते हैं किसी भी हैंगिंग प्लांटर में, तो ये पूरी तरीके से भर लेता है अपने आप को और बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लूम करता है। इधर से आपको दिखाऊं तो बालसम के जो प्लांट्स हैं ये भी बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहे हैं, और ये तो खैर खूबसूरती से मेरे गार्डन की सबसे ज़्यादा शोभा इन्होंने ही इस टाइम पे बना के रखी हुई है, बहुत ही प्यारे तरीके से ब्लूम कर रहे हैं। लेकिन बालसम का बस ये है कि ज़रा सी पानी की कमी हुई और देखिए इस तरीके से ये प्लांट जो है ये मुरझाने लग जाते हैं, तो इनमें पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और फिर ऊपर देखा जाए तो ये सारे ही मेरे जीनिया लहलहा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रिटी। इनके कलर्स मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कितने ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स हैं, इतने ज़्यादा ये अभी कैमरे में भी नहीं दिख रहे हैं जितने ज़्यादा ये वाइब्रेंट तरीके से अभी दिख रहे हैं। ये देखिए कितना अलग टाइप का पैटर्न है, इसके ऊपर से इसके अंदर ऊपर से ऐसे पेटल्स निकल रही है मल्टी पेटल वाली, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये अभी दिख रहे हैं। आगे दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए बहुत कलरफुल लग रहा है इस टाइम पे ये एरिया। इस साल मेरे जीनिया से मैं बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी हूँ। और इनकी सीड्स मैं आपको दिखाऊं, ये फ्लावर्स जो हैं ये अपने आप नीचे गिरते जा रहे हैं, और देखिए कितने न्यू न्यू इसमें, मैं जैसे इस फ्लावर सूखता है तो नीचे तोड़ के डाल देती हूँ, और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये फ्लावर में से न्यू प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो गए, पूरी नीचे तरफ से न्यू प्लांट्स निकल रहे हैं। तो जीनिया बहुत ज़्यादा इजी टू ग्रो प्लांट होता है, एक बार आप लगा लीजिए, इनके फूलों से ही आपके यहाँ पे हमेशा प्लांट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होते ही रहेंगे। देखिए आप कितना सुंदर दिख रहा है इस टाइम पर यहाँ का नज़ारा। और यहाँ पे ये मेरा जो ग्लैडुलस का बल्ब है ये वाइट कुछ क्रीम कलर में, ऑफ वाइट कलर में ब्लूम होने वाला है, तो ये भी बेहद इसका भी मुझे इंतज़ार है। मेरे ख्याल से ये एक और लगा है, ये भी ऑफ वाइट में ही आएगा। मेरे पास एक रेड कलर भी था पर पता नहीं उसका बल्ब कहाँ हो गया, तो वो अभी तक मेरे यहाँ कभी ब्लूम ही नहीं हुआ एक बार ब्लूम होने के बाद, तो ये तो अपने आप ही निकल कर आया था। बल्ब तो जो सरप्राइज़ होते हैं वो तो हमेशा ही अच्छे ही होते हैं, तो ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पे जेड्रोपा भी बहुत अच्छा ब्लूम कर रहा है। इस तरफ की लाइन तो खैर पूरी ही मेरी हमेशा फूलों से भरी ही रहती है, और देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है इधर का एरिया। देसी गुड़हल जो है वो भी अब काफ़ी अच्छे मेरे यहाँ पे ब्लूम होना स्टार्ट हो गए, जैसे ही धूप शुरू हो रही है, तो धूप के साथ साथ अब गुड़हल का तो सीज़न ही है, तो गुड़हल तो बहुत अच्छी तरीके से रोज़ ही एक दो नए नए कलर्स हम मेरे गार्डन में गुड़हल के देखने के लिए मिलते हैं।
ये देखिए, ये देसी वैरायटी वाला, ये तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर्स देता ही रहता है और बहुत सारी कलियों से अभी ये प्लांट भरा भी हुआ है। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पॉन्सेटिया के बड़े बड़े देसी वाले प्लांट हैं, तो इनकी मैं कंटिन्यूसली पिंचिंग करते जा रही हूँ। जैसे ही ये ऊपर थोड़ी सी ग्रोथ होना स्टार्ट होती है तो मैं इसको ऊपर से कट कर देती हूँ, जिससे कि ये पूरा प्लांट जो है वो बुशी बन जाए। और आने वाले विंटर्स में, क्योंकि देखिए इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी, तीन प्लांट हैं मेरे पास ये ऐसे लंबे लंबे, तो मैं इनको नीचे से, तो देखिए आप इस तरीके से ये लंबे लंबे होते जा रहे हैं, पर मैं ऊपर से इसकी कंटिन्यूअसली पिंचिंग कर रही हूँ। जैसे देखिए यहाँ से इनमें ग्रोथ होना स्टार्ट हुई थी तो मैंने यहाँ पे पिंचिंग कर दी थी, यहाँ से ग्रोथ होना स्टार्ट हुई, तो जैसे जैसे ग्रोथ होते जा रही है, अब जैसे यहाँ पे इसके ये थोड़े से बड़े होंगे तो मैं ऊपर से इनकी इनकी कटिंग कर दूंगी, तो जिससे कि ये प्लांट जो है ये अभी 1 से 1.5 महीना है मेरे पास, पूरा अक्टूबर नवंबर तक, अक्टूबर में तक मैं इसका मतलब पूरी अच्छे से ग्रोथ हो जाए अक्टूबर एंड तक, तो नवंबर दिसंबर में फिर इसमें वेरिगेशन जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं बहुत ज़्यादा घना कर लूँ। फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये मेरा रेड चंपा को मैंने जो ट्रांसप्लांट किया था ये भी अब काफ़ी अच्छा चल रहा है, खूब सारी इसमें भी कलियाँ बन रही हैं। फिर यहाँ पे मेरा ये वाइट कलर का मुसांडा जो कंटिन्यूसली ब्लूम कर रहा है, और मैं आपसे बताऊँ आप भी आपके गार्डन में वाइट कलर के मुसांडा को ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि ये एक बार जब ब्लूम होना स्टार्ट होता है तो ये रुकने का नाम ही नहीं लेता। इसके इतने ज़्यादा फ्लावर्स, ये आपको ना ठंडियों तक, ठंडी भी नहीं, आई थिंक मार्च लास्ट ईयर, तो इसने मुझे मार्च एंड तक इसको ये मुझे ब्लूमिंग देता ही रहा था, मार्च एंड या अप्रैल स्टार्टिंग तक इसने मुझे बहुत सारी ब्लूमिंग दी थी। तो व्हाइट कलर के मुसांडा को तो आप आपके गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। फिर यहाँ पे मेरे एलमेंडा भी जो हैं वो अच्छी तरीके से ब्लूम कर ही रहे हैं, और यहाँ दिखाऊं मैं आपको तो एक्जोरा, एक्जोरा भी बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहे हैं, और इनको भी मैंने थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज कर दिया था, क्योंकि जब ये अभी ब्लूमिंग के टाइम पे है तो इनकी खुराक बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तो इनको मैंने बहुत अच्छे से अभी फर्टिलाइज भी कर दिया था। ये मेरा एक येलो कलर का एलमेंडा है, इस पर अभी फ्लारिंग होके चली गई है। यहाँ पे मेरा ये रेक्स बिगुनिया, रेक्स बिगुनिया में भी यही टाइम है इसके फ्लारिंग, और ये देखिए इतने ईजीली लग जाता है। इसकी एक डंडी टूटी थी तो वो मैंने तोड़ के, टूट गई थी मेरे से ये शिफ्टिंग में, तो मैंने इसको उठा के यहाँ पे लगा दिया और ये भी बहुत अच्छे से चल गया। सबसे ईजी टू ग्रो प्लांट होता है रेक्स बिगोनिया का, आप इसकी कटिंग कहीं से भी लेके लगा दीजिए। और इसके जो सुंदर से देखिए इतने प्यारे फ्लावर्स दिखते हैं, ये पूरा अभी कुछ दिनों में फ्लावर्स से इस तरीके से भर जाएगा ये प्लांट। और इसके एक तो लीव्स ही अपने आप में इतनी ज़्यादा सुंदर होती हैं, और उसके बाद इसके ये फ्लावर्स तो क्या कहने, ये फ्लावर ये प्लांट पूरी चार चांद लगा देता है गार्डन में। फिर यहाँ पे मेरा हाइब्रिड चांदनी का प्लांट जो पूरी तरीके से हमेशा फ्लावर से भरा ही रहता है। यहाँ पे एक्लीफा और मिनी चांदनी में भी फ्लावरिंग हो ही रही है। यहाँ पे मेरा नागचंपा का प्लांट, और यहाँ पे एक्जोरा, ये वेरीगेटेड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये मेरे पास वेरीगेटेड फ्लावर्स इसमें आते हैं डबल कलर में, जो एक अलग ही कलर है, मैंने अभी तक ये देखा नहीं था पहले कभी ये वाला प्लांट, तो ये बहुत ही, मैंने तो ऐसे ही ला के लगा दिया था, मुझे नहीं पता था कि इसमें इस टाइप के फ्लावर्स आएंगे, लेकिन जब इसके फ्लावर्स देखे हैं मैंने तो मेरा दिल खुश हो गया है। और यहाँ पे ये वाइट कलर का एक्जोरा, ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लूम कर रहा है। बाकी मेरी शेवंती देखिए आप, मैंने इनकी लगातार पिंचिंग करते ही जा रही हूँ, तो ये भी मेरे कटिंग से लगी हुई शेवंती हैं सारी, बहुत अच्छी चल रही हैं। जैसे ही ये थोड़ी सी बढ़ने को होती हैं तो मैं इनकी पिंचिंग कर देती हूँ। आज मेरे को इस पर स्प्रे भी करना है, एक्चुअली मेरी स्प्रे बॉटल भी टूट गई है तो वो एक प्रॉब्लम हो गई है, तो इन पे स्प्रे रेगुलर, अब बारिश के बाद ना इन पे स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फंजीसाइड पाउडर का, तो अब मुझे भी वही करना है। बाकी कुछ प्लांट्स तो मेरे अभी छोटे छोटे हैं और कुछ की बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हो गई है। मैंने कोलियस की इतनी सारी कटिंग यहाँ पे एक प्लांट एक पॉट में लगा दी थी, और फिर मेरे पास ना पॉट बचे इसकी ट्रांसप्लांट करने के लिए, इसको ना टाइम मिल पाया है, तो देखिए इसी में इतने अच्छे ग्रो हो गए। मैं हालांकि इनकी ऊपर से इसी में पिंचिंग करती रहती हूँ, अब देखती हूँ कहीं जगह मिलेगी तो इनको शिफ्ट करूंगी, क्योंकि पॉट्स की अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा कमी चल रही है। इधर भी मेरे सारे शेवंती, अभी तो पूरा गार्डन जो है वो शेवंती से ही भरा हुआ है, तो इसमें भी कई सारे प्लांट्स हैं जो मुझे ट्रांसप्लांट अभी करने हैं, तो देखती हूँ जैसे जैसे पॉट्स मिलते जाएंगे इन्हें ट्रांसप्लांट करूँगी। और यहाँ पे ये कैनाफ हिबिस्कस के प्लांट, अब इनके फ्लावरिंग का टाइम है, अब इनमें बिल्कुल फ्लावरिंग होने वाली है, सेप्टेम्बर अक्टूबर में ये पूरी तरीके से फ्लावरिंग से भर जाता है। और ये मेरे यहाँ पे इतने ज़्यादा लगे हैं इस बार, क्योंकि इनकी सीड्स जो हैं वो गिर गिर के, आपके यहाँ पे अगर एक बार ये प्लांट लगाए तो इसकी इतने प्लांट्स बन जाते हैं, मैं आपको दिखाऊँ
तो मैंने इनको इतना ट्रांसप्लांट किया है, इतना ट्रांसप्लांट किया है। ये देखिए ये पे, इसमें तो टब में तो ये क्रेट्स में तो मेरे चल ही रहे हैं, तो आप खुद ही सोचिए इनमें जब एक साथ लाल लाल कलर के फ्लावर्स खिलेंगे तो ये कितना ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है। इसके अलावा आज सुबह से मैंने बहुत काम किए हैं, मेरे इतने सारे पॉट्स में ये कैनाफिबिस्कस लग गए थे देखिए, और कितने ज़्यादा लंबे लंबे हो गए थे। तो इन सबको मैंने आज एक बकेट में ट्रांसप्लांट के, कम से कम ये 7 प्लांट मैंने इसमें लगाए हैं और 5-6 प्लांट मैंने एक और मेरी बकेट है उसमें लगाए हैं। तो ये इतना हार्डी प्लांट होता है कि अभी आराम से इतने बड़े बड़े भी मैंने ट्रांसप्लांट किए तो सर्वाइव हो जाएंगे, और इनमें इतने लंबे लंबे में जब फ्लावरिंग होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाले हैं। और आज सुबह से मैंने गार्डन में बहुत सारे काम किए हैं, तो मैंने काफ़ी कुछ जो मेरे पॉर्चुला का और पर्सलेन के प्लांट्स थे वो सारे ही मैंने अब हटा दिए हैं, और ये बीच का एरिया मैंने थोड़ा सा आज साफ किया है। वैसे दिखाने लायक तो नहीं क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा मैसी पड़ा हुआ है, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके सारे काम मैं कर रही हूँ। तो यहाँ की स्पेस अभी काफ़ी खाली हो गई है क्योंकि शेवंती के इतने सारे पॉट्स हो गए कि अब इन्हें जमा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरे एनुअल वर्बीना के प्लांट्स, ये भी बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग इस टाइम पे कर रहे हैं। अब धूप जैसे स्टार्ट होगी तो ये सारे प्लांट्स जो हैं बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम करेंगे। देखिए आज मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स की प्रूनिंग करी है क्योंकि इनके टिप्स पे से अगर हम प्रूनिंग करते हैं तभी ये प्लांट्स और ज़्यादा घने होंगे और ज़्यादा हमको फ्लावरिंग निकाल के देंगे। और यहाँ पर मेरे कुछ और टब्स जो मैंने शेवंती के लगा के रखे हैं, तो इस तरीके से अभी रेंडम पड़ा हुआ है पूरा गार्डन जो है वो मैसी पड़ा हुआ है, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी तरीके से तो कुछ व्यवस्थित नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि हर संडे को आप थोड़ा अपडेट दिखाया करें, इसीलिए आज आप लोगों के साथ में ये अपडेट दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जैसे मैक्सिकन हैथर हुआ और डेजी हुए, पेंटास हुए, इसके फ्लावर्स जो हैं ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहे हैं। और यहाँ से मेरा जो पॉन्ड वाला एरिया है वो तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। और यहाँ पे देसी मेरे जो गुड़हल है इसमें भर भर के कलियाँ आई हुई हैं। अब धूप निकलना स्टार्ट हुई है, सेप्टेम्बर अक्टूबर में इनके फ्लावरिंग का सीज़न रहता है, तो बहुत अच्छी तरीके से ये ब्लूम करने वाले हैं। और इन्हीं टब्स में मैं रेंडमली हमेशा ही अपनी कुछ ना कुछ कटिंग्स लगाती रहती हूँ, जैसे ये पेंटास हो गया, ये मैक्सिकन पिटूनिया हो गया, यहाँ पे डेजी हो गए, मैंने अलग अलग तीनों कलर के देखिए इसमें डेजी लगा दिए थे, तो ये मेरे लग जाएंगे तो विंटर्स में भी ये फ्लावरिंग देते ही रहेंगे। और देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत इस टाइम पर डेजी के फ्लावर्स दिख रहे हैं। वाइट वाले को तो मैंने आज ही पूरा प्रून किया था, इसमें बहुत फ्लावर्स जो थे वो सूख रहे थे तो मैंने ये अच्छे से प्रून कर दिया। यहाँ मैंने एक कटिंग इसकी लगा दी थी, तो देखिए ये भी बहुत अच्छे तरीके से डेजी की लग गई है। हमीलिया में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है, और टिकोमा में भी बहुत सारी कलियाँ आई हैं, ये गोरी चोरी में, तो इस पर भी अभी फ्लावरिंग होने वाली है। और यहाँ पे देखिए ये मेरे छोटे छोटे इसमें फ्लावर, इसका नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे, हिबिस्कस के बहुत प्यारे रेड कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, देसी वेराइटी है ये भी, तो ये भी सारे अभी कलियों से भरे हुए हैं, तो कुछ दिनों में इनमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। ये मेरे छोटे छोटे रेड कलर के मल्टी पेटल वाले हिबिस्कस का प्लांट है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये नीचे से ऐसा लंबा लंबा आ रहा है और ऊपर से पूरा ऐसा घने में इसमें फ्लावर खिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। तो इस पर भी अभी कलियाँ तो भरी हुई हैं, हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में मैं आपको इसके फ्लावर्स भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे पेंटास वगैरह की भी मैंने अभी, चूँकि मैंने अभी सारे ही प्लांट्स के ऊपर से देखिए इस तरीके से पिंचिंग करके रखी है, डेड फ्लावर्स सारे हटाए हैं, तो आज के वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा ऐसी फ्लावरिंग तो देखने के लिए नहीं मिलेगी। देखिए इस तरीके से मैं इसके ऊपर के जो टिप्स हैं ये हमेशा तोड़ती ही रहती हूँ, तो फ्लावरिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अभी ये है कि गार्डन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, तो देखिए हमारे यहाँ पे जो पेट है ईवा, उसने मेरे ये यहाँ से दौड़ते हुए आई थी, और ये जो मेरा डक है ये मेरा यहाँ इस तरफ रखा हुआ था, कुछ काम चल रहा था यहाँ पे गैस की पाइपलाइन का, तो वो दौड़ते हुए आई और उससे टकरा गई, तो देखिए मेरा जो डकी है ये इस तरीके से टूट गया है। अभी मेरे गार्डन में पता नहीं क्या हो रहा है, सारे आइडल्स इस तरीके से टूटते जा रहे हैं, पहले बाइसा की मूर्ति टूट गई और अभी ये डक्की भी टूट गया। हालांकि इसके सारे जो हैं ये सारे इसमें हैं टुकड़े, तो मैं इसको क्विक फिक्स से चिपकाने की ज़रूर कोशिश करूंगी। यहाँ का एरिया भी बहुत सुंदर दिख रहा है, यहाँ पे बुद्धा वैली का जो प्लांट है ये इतने सुंदर तरीके से ग्रो कर रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है और हार्डी प्लांट होता है, तो यहाँ का एरिया भी अभी ओवरऑल बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। इसमें आपको दिखाऊँ, देखिए ये जो मेरा ये टर्टल वाइन है ये जो इतनी ज़्यादा हरी और इतनी लंबी होते चली जा रही है, तो इसकी देखिए जड़ें जो हैं मुझे भी ध्यान नहीं था, मैंने ये कल देखा कि इस तरीके से पानी में इसकी जो जड़ें हैं ये डली हुई हैं, ये टोटली इस पानी से चल रहा है यहाँ के पॉन्ड के पानी से। और देखिए आप इससे इतना सुंदर और इतना ग्रीन, ये लश ग्रीन मेरा अभी इस टाइम पे टर्टल वाइन हो रहा है, तो इसकी भी मैं काफ़ी सारी कटिंग्स लेके लगाने वाली हूँ।
तो अभी इस तरफ से मेरा पॉन्ड का एरिया कुछ ऐसा दिख रहा है, हालांकि अभी बहुत सूना सूना है क्योंकि हमेशा ही यहाँ पे मुझे फ्लावरिंग देखने की आदत है, पर अभी मैंने इन पॉट्स में प्लांट्स को लगा दिया है। विंटर्स में यहाँ का जो नज़ारा होगा वो देखने लायक होगा। और इस बार मैं सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे महंगे प्लांट्स या बहुत बाहर से प्लांट्स खरीद के नहीं लाऊंगी, जो प्लांट्स मेरे यहाँ पे हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई कर करके इस बार ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन को सजाने की कोशिश करूंगी। तो देखती हूँ किस हद तक मैं उसमें सफल हो पाती हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। हैंगिंग प्लांटर्स वगैरह भी अच्छे ही चल रहे हैं अभी इस टाइम पे। हवाएं बहुत तेज़ थी हमारे यहाँ पे, तो इसलिए काफ़ी सारे तो मैंने उतार के रख दिए थे हैंगिंग प्लांटर। और ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है सेलेस्ट्रिया का प्लांटर इस तरीके से हैंगिंग। ये तो स्पेशली हैंगिंग प्लांटर्स के लिए ही ये प्लांट बना है। यहाँ पे भी ये देखिए मेरा एक ये लटका हुआ बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। बाकी कुछ एक ऐसे रेलिंग पे मेरे हैंगिंग प्लांटर्स लटके हुए हैं, तो ये आपको ठंडियों में देखने में मज़ा आएगा जब इनमें फ्लावर्स लगेंगे। और ये एक और मेरा सेलेस्ट्रिया का प्लांट, इसको भी मुझे अच्छे से करना है। काफ़ी बारिश के कारण ये इसका इग्नोर्ड हो गया है, तो इसकी भी सारी पत्तियां वगैरह निकाल के इसको मैं अच्छे से, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, ऊपर ज़रा से पॉट में लगा है और नीचे तक इसके जो पब्स हैं वो लटक लटक कर आ रहे हैं। इस तरफ स्टैंड्स के नीचे दिखाऊं तो मेरे सारे ही ये जो कोलेंचो की कटिंग्स हैं ये सारी रखी हुई हैं, तो इनको अब धूप थोड़ी थोड़ी आनी स्टार्ट हुई क्योंकि बारिश के कारण, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण भी ये परेशान थे सारे प्लांट्स। कुछ एक प्लांट्स मेरे यहाँ पे भी नीचे रखे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा बारिश के कारण ये डिस्टर्ब थे। अब थोड़ी धूप वगैरह आएगी तो ये अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएंगे। यहाँ व्हाइट कलर के चंपा में भी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है। ये मेरा बाइसा वाला कॉर्नर जो हुआ करता था, तो बाइसा का आइडल तो टूट गया है, तो अभी मैंने यहाँ पे टेम्प्रेरी ये बुद्धा जी का स्टैचू रख दिया है। कुछ एस सच यहाँ पे मैंने डेकोरेट नहीं किया है, प्लांट्स को मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है इस विंटर के लिए। पर अब यहाँ पे मैं कोई और आइडल रखूंगी, एक बुद्धा जी की भी मूर्ति है। अब देखिए आगे मैं क्या करती हूँ, क्योंकि ये वाला कॉर्नर मेरा गार्डन का सबसे फेवरेट कॉर्नर है, तो इसको अब देखती हूँ यहाँ पे कैसे क्या मैं प्लांट्स लगाऊंगी। और कनेर, जैसा कि देख रहे हैं आप, कनेर भी बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहे हैं, ये येलो कलर का कनेर, ये वाइट, बहुत ज़्यादा बारिश में भी प्लांट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब आज से थोड़ी धूप स्टार्ट हुई है तो फ्लावरिंग भी अब अच्छी ही होगी। ये वाइट देसी कनेर और ये रेड कलर का कनेर, ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहा है। तो कनेर मेरे पास चार पाँच वैरायटी के कनेर हैं, तो सब में अब धीरे धीरे फ्लावरिंग जो है वो अच्छे से स्टार्ट हो गई है। देखिए ये कुछ बल्बस प्लांट थे जो मेरे बहुत छोटे से पॉली बैग में ही कब से लगे हुए थे, तो इनको भी मैंने कल सब अच्छे से ट्रांसप्लांट कर दिया। एक ये है, एक ये कुरकुमा का है, ये देखिए इसमें भी अब इसको भी मैंने ट्रांसप्लांट किया। तो इस तरीके से छोटे छोटे काम होते हैं गार्डन में बहुत सारे करने को, जो हम हमेशा शूट नहीं कर पाते, लेकिन कंटिन्यूसली गार्डन में हमारे काम जो हैं वो चलते ही रहते हैं। और इधर से मैं आपको दिखाऊं तो अब ये मेरे सारे ही बोगनवीलिया के ऊपर फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है। और वर्षा जी, आप हर बार हर 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 मेरे वीडियो पे आप मेरे को बोगनवीलिया के लिए, आप बहुत पसंद करती हैं बोगनवीलिया को और हमेशा बोलती हैं कि बोगनवीलिया के अपडेट्स जो हैं वो मैं शेयर करूं, तो बहुत जल्द ही अब मेरे सारे बोगनवीलिया जो हैं वो फ्लावरिंग से भर जाएंगे और मुझे भी बहुत खुशी होगी आप लोगों के साथ उसे शेयर करने में। ये वाला मेरा पूरा बेलों का सेक्शन जहाँ पे मैंने अपने सारी वाइन्स लगा के रखी हुई हैं, तो ये मेरी राखी बेल भी बहुत अच्छी तरीके से क्लाइंब हो रही है। बीच में ये मधुमालती की बेल भी अच्छी चल रही है, वहाँ वो एक मेरी रेड फ्लावर वाली बेल है, उसके बाद मेरी एक अपराजिता है और उधर से ब्लीडिंग हार्ट है। तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है जब ये मेरा पूरा जो सेक्शन है ये बेलों से भर जाएगा। और हाँ, ये आर्च के ऊपर जो मेरा चढ़ रहा है ये मेरे टिकोमा की बेल है, तो ये पूरी तरीके से जब भर जाएगा बहुत अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे इस तरफ वाले पोर्शन के लिए मेरा ये रेड कलर का राखी बेल है और ये एक लहसुनिया बेल है, तो इसको भी मुझे अभी बीच में एडजस्ट करना है, तो ये भी मैं इसको भी वहाँ पे क्लाइम कर दूंगी। तो ये वाला जो मेरा पूरा जो ये सेक्शन रहा करेगा ये पूरी तरीके से मेरा बेलों से भर जाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है। और देखिए यहाँ से मेरा गार्डन कितना ज़्यादा प्यारा दिख रहा है, पूरा फूलों से भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ से मेरे गार्डन का एम्बियंस निकल कर आ रहा है। आज जैसे कि मैं सुबह से बहुत सारे कामों में लगी हुई थी, बहुत सारी मैंने मिट्टी खाली करी है, बहुत सारे देखिए आपको मैं दिखाऊं तो पॉर्चुला का और पर्सलेन मैंने निकाले हैं, तो मेरे कितने सारे पॉट्स जो हैं वो खाली हुए हैं। तो बहुत सारे काम हैं अभी अब करने के लिए गार्डन में, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम मिलते जा रहा है मैं सब करते जा रही हूँ। बहुत सारी बोरियाँ मेरे जो एक्स्ट्रा जो प्लांट्स थे उनसे भर गई हैं, तो खाद भी उसकी काफ़ी अच्छी बन जाएगी।
इधर मेरी वेरीगेटेड पॉन्सेटिया की कटिंग्स चल रही हैं काफी अच्छे तरीके से, ये भी चल रही है। लगाई तो हालांकि मैंने थी, जिसमें से मेरी 3-4 तो खराब भी हो गई हैं एक्सेस बारिश के कारण, पर ठीक है ये अब ये इतनी चल गई हैं, यही काफी है मेरे लिए। और देखिए जो मैंने आज प्लांट कहना हिबिस्कस के कुछ एक, इसमें भी मैंने ट्रांसप्लांट के बहुत सारे प्लांट हो गए, लेकिन मैं उखाड़ के फेंकना इसलिए नहीं चाहती हूँ क्योंकि अभी बिल्कुल फ्लावरिंग के टाइम पर आ गए हैं, और अब जब फ्लावरिंग देने का टाइम आया तो क्यों मैं इनको फेंकूँ, तो इसीलिए अभी मैं इनको पॉट में एक साथ कर दे रही हूँ जिससे कि पॉट मेरे फ्री हो जाए। और यहाँ पे मेरे पिछले साल के पॉट्स रखे हुए हैं शेवंती के, तो इन पे तो मैंने अभी तक कुछ काम किया ही नहीं है, ये कॉर्नर में मेरा आना ही बहुत कम होता है, तो इनको भी मैं थोड़ा सा फर्टिलाइज करके अच्छा कर दूंगी। यहाँ पे ये कॉक्सकॉम का जो प्लांट है ये अपने आप निकल कर आ गया है और बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। और यहाँ पे मेरे श्रेवंती के प्लांट, सॉरी कनेर का ये मल्टीपेटल वाला प्लांट रखा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल टोटली इग्नोर्ड हुआ पड़ा है। और इसके अंदर मैंने देखा तो ये देखिए अजवाइन का प्लांट कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। तो अब बस अब मेरे को बहुत सारे काम करने हैं गार्डन में, क्योंकि बारिशों में हम बहुत एक्स्ट्रा काम भी गार्डन के नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारा काम ऐसा है जो गार्डन में मेरा पेंडिंग पड़ा है जो मुझे अब रेगुलर बेसिस इस पे आके गार्डन में करना पड़ेगा। तो बस फ्रेंड्स मेरे आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा आज का अपडेट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। जल्द ही किसी नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी फ्रेंड्स, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग। और देखिए यहाँ से मेरा गार्डन अभी कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है, यहाँ से पूरा फूलों से मेरा गार्डन इस टाइम पर भरा हुआ है।